बिलावल महला पंजवा मात पिता सोत बंदप पाई नानक हुआ पार ब्रह्म सहाई मात पिता सोत बंदप पाई नानक हुआ पार ब्रह्म सहाई सुख सहज आनंद कणे गुर पूरा पूरी जाकी बाणी अनेक गुणा जाके जाहे ना गाने रहाओ सगल स्रंग जाम करे प्रभ आपे पै मनोरथ सो प्रभ जापे अर्थ धर्म काम मोख का दाता पूरी पाई सिमर सिमर विदाता साध संग नानक रंग मानिया घर आया पूरे घोर आनिया साध संग नानक रंग मानिया घर आया पूरे घोर आनिया वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु की साजी और नवाजी हुई। गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ धनता दे पात्र हो के अमृत वेले दीन दुनिया दे बालक सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पवित्र हजूरी च नौवें गुरुदेव जगत गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे पावन पवित्र इतिहासक स्थान ते हाजरियां भर के पंचम पातशाह शहीदां दे सरताज सतगुरु धन धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज जी दा शहीदी दिहाड़ा बहुत ही श्रद्धा भावना सत्कार सहित गुरु चरणा विच एकत्र करके मनाउणा कर रहे हो। धन गुरु अर्जन देव साहब प्रतख हरि हन अकाल पुरख दा सब रूप हन। धरती आकाश विच नौ खंडा विच गुरु अर्जन देव साहब ज्योति स्वरूप हो के सर्व थाई व्यापक हन। तरण गगन नव खंड में
धरती विच आकाश विच ते नौ खंडां विच ज्योत स्वरूपी रहो पर ज्योति स्वरूप हो के सारिआं विच सतगुरु जी परिपूर्ण हन भरे होए हन। पट मथुरा जी कहिंदे कि गुरु अर्जन देव साहब जी प्रतख हरी ने अकाल पुरख दा स्वरूप ने, कोई भेद ना समझे। पन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन प्रतख हर, गुरु अर्जन देव साहब प्रतख हरी हन। फिर कहिंदे प्रतच हृदय गुरे अर्जन कह हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो। हरि ब्रह्म अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर ने गुरु अर्जन देव साहब दे हिरदे च प्रतख रूप विच अपना निवास कीता है। जेड़ा कोई माई भाई जेड़ा कोई गुरसिख गुरु अर्जन देव साहब जी दे जाप नू जपदा है उन्हां दे करोड़ां दुख दूर हो जांदे हन। तिनके दुख कोटक दूर गए मथुरा जने अमृत नाम पीयो। जेड़े गुरु अर्जन देव साहब दे नाम रूपी अमृत नू पींदे हन उन्हां दे करोड़ां दुख निर्विरत हो जांदे हन, दूर हो जांदे हन। जेड़े गुरु अर्जन देव साहब दा जाप जपदे ने ओह मुड़ के गर्भाशयां विच गर्भजूनियां विच नहीं आउंदे। धन गुरु अर्जन देव साहब दे जाप दा ही एडा वड्डा प्रताप है। महाकवि कविराज भाई साहब भाई संतोख सिंह जी फरमाउंदे गुरु अर्जन देव साहब जी अपने सेवकां दीआं अरजां सुणन वाले ने, बेनतियां सुणन वाले ने। अर्जन सुनत श्री गोरे अर्जन, गुरु अर्जन देव साहब अपने सेवकां दीआं अरजन दा मतलब हुंदा है जना दियां सेवकां दियां अरजोईयां सुनदे ने, अपने सेवकां दियां बेनतियां सुनदे ने। मोह के बेदार बे को वाक सारे अरजन, मोह नूं बेदारन वास्ते मोह नूं निवारन वास्ते गुरु अर्जन देव साहब दे वाक सतगुरां दे बचन ओ अर्जन दे तीरां वांगर हन। धन गुरु अर्जन देव साहब जिन्हां दा सुजस सारे संसार विच, अर्जन दा अर्थ हुंदा उज्जवल, जिवें आ प्रकाश है ना सूरज दा उज्जवल, इउं गुरु अर्जन देव साहब दी सोभा सतगुरां दी महिमा सतगुरां दा प्रताप सारे संसार विच उज्जवल है चिट्टे रंग वांगू। अर्जन कमल दे फुल नूं भी कहिंदे हन, जिवें कमल दा फुल पानी तो निराला हो के रहिंदा इउं सतगुरु गुरु अर्जन देव साहब सारे संसार विच वरत के भी सारे संसार तो निराले हो के रहिंदे हन। सब दे विच वरतदे भी ने, सब विच वसदे भी ने, सब विच रहिंदे भी ने, ते सब च रह के फिर भी सब तो निरारे ने, सब तो निराले ने, सब तो वखरे ने। धन गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज अमृतसर सरोवर दी कार सेवा संपन्न होई, सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी दा पावन दरबार सतगुरु पंजवें पातशाह ने बनवाया, करतारपुर साहब जैसे तरन तारन साहब जैसे सोहने नगर सतगुरां ने वसाए, और महान परोपकार समूह सिखां ते सतगुरु पंजवें पातशाह ने कीता। वड्डिया सतगुरां दी सारी बाणी नूं इक जगह ते एकत्र करके गुरद्वारा रामसर साहब वाले पावन स्थान ते विराजमान हो के भाई साहब भाई गुरदास साहब नूं लिखारी ला के महाराज पंजवें पातशाह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का संपादन किया। संपादन करके सन 1604 ईस्वी नूं भादरों सुधी एकम वाले दिन सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का प्रकाश किया। एहो जे महान परोपकार पंजवें पातशाह गुरदेव ने किते, सिखां दी पंथ दी चढ़दी कला हो रही है, गुरु घर का प्रताप सारे जगत विच प्रगट हो रहा है। पर कुछ कहण ऐसे
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਖੇੜੇ ਚ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਲੂਆਂ ਤੇ ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲੋ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਲੂਆਂ ਤੇ ਚਮਗਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚੰਦੂ ਵਰਗੇ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ, ਮੁਰਤਜਾ ਖਾਂ ਵਰਗੇ, ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰੰਦੀ ਵਰਗੇ, ਕੁਝ ਕਮਲੇਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਰਗੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਰਸਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਵਾਸੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਛਿੱਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਦੂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਚੰਦੂ ਜਵਾਸਾ। ਮੁਰਤਜਾ ਖਾਂ, ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰੰਦੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਇਹ ਜਵਾਸੇ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸਦੈਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਲਿਖਦਾ। ਮੁਰਤਜਾ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਮਲੇਚ, ਆ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਰੰਦੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਤਸਬੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਢਾਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਜਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਹਿਜਾਦੇ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਹਿਜਾਦਾ ਖੁਸਰੋ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਗੀ ਹੈ, ਅਕਬਰ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਚੋਂ ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਐਦੀ ਭੇਜੇ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਜਿਆ, ਐਦੀ ਭੇਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਏ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਲੰਗਾਹ ਤੇ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣਾ। ਪੰਜੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਪੰਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੋਲਾ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਏ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਗੁਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 1,00,000 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਗੀ ਸਹਿਜਾਦਾ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ।
महाराज पंजवें पातशाह कहण लगे तुहाडा सरकार दा बागी सी, गुरु नानक साहब दे लंगरां दा बागी नहीं सी। सतगुरां दे घर विच लंगर वरतदे ने, उत्थे कोई भी आके लंगर छक सकदा है, कोई भी आके भोजन छक सकदा। किसे भुखे नूं भोजन छकाना कोई गुनाह है, कोई अपराध है? कहिंदा जी मैं नहीं जानदा, तुहाडे ते 1 लाख रुपये दा जुर्माना है। पातशाह कहण लगे 1 लाख रुपया असीं तैनूं दे सकदे आं, साडियां संगतां दी बेअंत माया अरदासी हो जाणी है, पर असीं गुरु की संगत दा पैसा तेरे वर्गे बादशाह दियां खजानियां विच नहीं पाउणा। यह गुरु की संगत दा पैसा है, गुरु घर दियां सेवावां ते लगणा, ना कि तेरे जे बादशाहां दे खजाने भरन वास्ते। सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज जी संकेत देंदे ने कि गुरु घर दी माया, गुरु घर दा पैसा उहनूं योग स्थान ते खर्चना है, यह नहीं कि अजाई उहनूं खर्चना है। असीं अक्सर वेखदे हां गुरु घर दी माया नूं, गुरु घर दे धन नूं, कहिंदे जी चलो यह चीज ठीक नहीं बनी, ढा के दोबारा बना लो, फिर बनाउणगे, फिर ढा के दोबारा बना लो। जदों पुछो भाई संगत दा पैसा लगदा ते जवाब पता की हुंदा, कहिंदे जी इत्थे किहड़ा घाटा है, गुरु का खजाना है। जे गुरु का खजाना ते इहदा मतलब यह थोड़ी है भी तुसीं मुड़ मुड़ के ढा ढा के चीजां दोबारा बनाई जाओ ते पैसा खुआर करो। यह संगत दा पैसा गुरु के सिखां दे दसवंद दी माया है। पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज कहण लगे तेरे जे बादशाह दे खजाने भरन वास्ते नहीं गुरु की संगत दा पैसा, असी नहीं देवांगे पैसे। दीवान चंदू कोलों बोलिया, कहिंदा जी इन्हां नूं मेरे हवाले कर दिओ, मैं इन्हां कोलों पैसे कढ़ा लवांगा। चंदू वर्गे कुछ इहो जे मोहरे हुंदे आ जिन्हां नूं अक्सर राजनीतिक लोक वरतदे आ। चंदू दे मन विच गुरु साहब जी प्रति विद्रोह सी, क्योंकि इहदी लड़की दा रिश्ता सतगुरु छेवें पातशाह जी लई आया, महाराज पंजवें पातशाह ने मोड़ दिता सी। उहदा कारण सी कि चंदू कहिंदा सी चुबारे दी इट तुसीं बोरी नूं लाए हो, ते पातशाह ने संगत दी बेनती सुणदिआं कहा सी कि चुबारे चुबारे लभ लैण गुरु घर नूं, मोरी दसदा निमाणिआं नूं कोई निमाणा मिल जाएगा। तो चंदू दे मन विच सतगुरां दे प्रति वैर विरोध दी बिरती है। सतगुरां नूं अपनी हवेली च लै के गया, रात दा वेला सी, कहण लगा अपने सिपाहियां नूं गुरु जी नूं पानी नहीं देना, भोजन छकण वास्ते नहीं देना, ते ना इन्हां नूं लेटण देना, आराम भी नहीं करण देना। जे जल मंगण पानी मंगण तां 1 लाख रुपया लैणा, जे भोजन मंगण तां 1 लाख रुपया लैणा, जे लेटण वास्ते आखण ते तां 1 लाख रुपया लैणा। तो पंचम पातशाह जी महाराज जी कहण लगे चंदू जिन्ना चिर हुण तेरे कोल रहांगे इत्थे, ना असीं जल छकांगे, ना भोजन छकांगे, ना ही लेटांगे, तेरा मन जे इदां खुश हुंदा तां ठीक। कहिंदा जी तुसीं मेरी हाले भी गल मन लो, 1 लाख रुपया दे दिओ, लड़की मेरी दा रिश्ता कबूल कर लवो, मैं बादशाह नाल गल कर लैना। पंजवें पातशाह कहण लगे चंदू किसे दे डरावे विच आ के, किसे दे दित्ते हुए भय विच आ के कोई अपना फैसला बदल लवे, उहनूं सूरमा नहीं कहिंदे, कायर कहिंदे हन। साडा फैसला पहलां भी उही सी, हुण भी उही है। रात बीत गई, अगले दिन मलेच चंदू आया, हुक्म कीता अपने नौकरां नूं लोह तपाओ। लोह तपाई गई, लोह तप के जदों तांबे वांगू लाल हो गई, कहण लगा जी हाले भी समय, मेरी गल मन लो। ते पंजवें पातशाह कहण लगे चंदू इस तपदी हुई लोह नूं वेख के असीं अपना फैसला नहीं बदलना। खालसा जी यह निश्चय की गल, इहनूं सिरर कहिंदे आ। सिरर यह सिरर गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह दे बाबत गुरु कलगीधर जी लिखदे है, सीस दिया पर
सिरर ना दिया, इनू सिरर कहिंदे आ। कहन लगा जी तुसी मैनू कुत्ता कहा सी ना, हुण मैं कुत्ता बन के तुहाडे पिछे पवांगा। ते पंजवें पातशाह कहन लगे चंदू साडे घर दा सिधांत है मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, असी तेनू कुत्ता नहीं किया। कहन लगा जी नहीं तुसी आख्या सी मैनू कुत्ता, क्योंकि दुश्मन दा सुभाव हुंदा भी अनहोनी बात करदा। पातशाह कहन लगे असी नहीं आख्या चंदू तेनू कुत्ता, चलो जे किसे सिख ने कह दिता होवे ते उहदी जिम्मेवारी भी असी लैने, असी नहीं आख्या। हो सकदा साडे किसे सिख ने कह दिता होवे तेनू, उहदी जिम्मेवारी असी लैने आ। ते चेते रखी कुत्तियां दी मौत भी कुत्तियां वाली हुंदी है, बड़ी भयानक। बड़ा गुस्से च आया, कहिंदा चुको इन्हां नूं बिठाओ लोह दे उत्ते। भाई बिधी चंद ते भाई जेठा जी पंज सिख सामने एक कमरे विच बंद सी जिहदे च सलाखां सन। महाराज पंजवें पातशाह नूं कहिंदे पातशाह हुक्म करो इन्हां मलेच्छां नूं खत्म कर दईए अपनी कला नाल। महाराज जी कहिंदे भाई जेठा जी इतनी शक्ति तुम कित्ते पाई, इतनी शक्ति तुहानू कित्थों प्राप्त होई। ते भाई साहब कहन लगे महाराज तुहाडी सेवा करके। महाराज जी कहिंदे जिन्हां दी सेवा करके इन्नी शक्ति प्राप्त कीती कि वह आप इस शक्ति तों खाली होणगे, इह भाणा है परमेश्वर दा हुक्म है। लोह वल वधन लगे ते भाई बिधी चंद ने धा मार के आख्या पंजवें गुरदेव असी नहीं वेख सकांगे तुहाडे पावन चरण इस तपदी लोह ते, असी अपने शरीर इस लोह ते बिछा दईए, आप जी अपने चरण साडे शरीरां ते सजाओ। चंदू कहिंदा इह बोली जांदे ने, सिपाहियां नूं कहिंदा कुट्टो इन्हां नूं पकड़ के। रस्सियां नाल बन्ने होए पंजां सिखां नूं डांगां नाल कुट्टिया गया। महाराज पंजवें पातशाह कहिंदे सिखो इह करतार दी रजा है, अकाल पुरख दा हुक्म है, इउं ही वरतना है, तुसी शांति नाल बह के वेखो। पंजवें पातशाह आप लोह वल चल के गए, तांबे वांगू लाल होई लोह दे उत्ते मेरे पंचम गुरदेव दे ओ पावन चरण, जिन्हां चरण कमलां नूं गुरु का सिख अपने हिरदे च वसाउंदा है, और अपने साहब दे चरणा च बेनती करके कहिंदा महाराज अपने चरणा कमलां दी इस मौज विच सदैवी रखियो। ओ सोहणे जे चरण जिहड़े योगियां नूं भी दुर्लभ ने, उहनां दे ध्यान विच भी सतगुरु सच्चे पातशाह दे ऐसे चरण दुर्लभ ने, ओ पावन चरण जिन्हां चरणा विच लक्ष्मी खड़ी है, जिन्हां चरणा विच सारे देवते नमस्कारां करदे हन, जिन्हां चरणा विच दुनिया दियां सारियां शक्तियां झुकदियां हन, ओ पावन चरण गुरदेव ने आके बलदी ते खौलदी लोह ते रखे हन। अग दा देवता सामने प्रगट हो गया, महाराज मैं अज तो बाद अपना सुभा ठंडा कर लीना, मैं तुहाडे चरण नहीं जला सकदा। पातशाह कहण लगे तेरे करके दुनिया दे बड़े कम चलदे है, तू तपदा ते लोकां दे चुल्हिआं ते प्रशादे पकदे है, तू कारखानिआं च तपदा ते अनेकां प्रकार दीआं वस्तुआं बणदीआं ने, तू अपना सुभा रख, असी अपना सुभा नहीं त्यागांगे। बलदी खौलदी लोह ते जदों पातशाह ने अपने चरण धरे, गुरदेव दे चरणां विचों चरबी ढल ढल के लोह दे उत्ते जा के सड़न लगी है। चरणां दी चरबी ढल गई है, हड्डियां चरणां विचों बाहर निकल आईयां हन, अग्नि दे नाल उह लाल सुरख हो गईयां हन। पापी चंदू दा मन नहीं पतीजिया। महाराज सच्चे पातशाह नूं कहिंदा जी इहदे ते बहि जाओ चौंकड़ा मार के। गुरदेव उस तपदी खौलदी लोह ते चौंकड़ा ला के बैठ गए ने। असीं इह वचन सुन रहे हां ते साडे हिरदे कंबदे हन। जिहड़े पंज सिख अपणीआं अखां दे सामणे वेखदे होणगे उहनां ते की बीती होवेगी, इह बयान नहीं हो सकदा। तपदी बलदी लोह ते पातशाह चौंकड़ा सजा के बैठ गए हन। एक वारी पूरे ब्रह्मांड दीआं सारीआं शक्तियां कंब गईआं हन।
सरमुखान खलोतियां हन, इशारा भाल दियां हन कि पातशाह केवल एक इशारा करन ते सब कुछ खत्म कर दईए। जावद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देहे अपारा, जावा करख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देहे तर सब हूं। जे किते पातशाह इन्ना ही कह देन परलै ते सब कुछ परलै हो सकदा, एडी वड्डी ताकत दे मालक हन। फिर भी तत्ती तवी ते बैठे अडोल निरंकार अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दे भाणे नूं सत करके मिठा करके मन रहे ने और रसना तो गा रहे ने, तेरा किया मीठा लागे, 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 तेरा किया मीठा लागे। इसे तरह तकरीबन पैर भर दा समा तत्ती लोह ते पातशाह बैठे रहे। उठाया चंदू कहंदा हाले भी वेला है, मेरी ईन मन लो। पातशाह कहंदे चंदू साडा फैसला अज भी उही है, तेनू पहलों भी कहा किसे तसीहे करके, किसे डरावे करके, किसे भय करके कोई अपना फैसला बदले, उन्हूं सूरमा नहीं कहिंदे कायर कहिंदे। असीं अपने सिखां वास्ते पूरने पौने हन, साडे तों बाद शहीदी दियां लीहां चलणियां ने। जिहड़े राह ते असीं टुरन लगे इस राह ते अनेकां परवानियां ने चल के शहीदियां देणियां ने। नाले मेरे साहबां दे अमृत बोल ने वो सफले करने ने, तन मन काट काट सब अरपी बिच अग्नि आप जलाई कि तन ते मन नू कट कट के अग दे विच अपने आप नू जला दिया, वो बचन सत करने हन। दूसरा दिन बीत गया, एक रात बीत गई, दूसरा दिन बीत गया, दूजी रात बीती, तीजे दिन पापी चंदू फिर आया। कहदा जी हाले भी मनो देग दा पानी उबालिया गया, उबलदे हुए खौलदे हुए पानी विच महाराज पंजवें पातशाह नूं बिठा के तकरीबन पैर भर तक पानी च उबालिया गया। साई मियां मीर वर्गे फकीरां नूं पता लगा ते आके कहण लगे महाराज इन्हां मलेच्छां नूं खत्म कर दिया। महाराज जी कहिंदे साई जी इह अकाल पुरख दी रजा है, साई जी छोड़ो प्रीति चाम से, क्या हुआ तन जल रहा मन शांत है हरि नाम से। क्या होया जे तन सड़ रहा, साडे हिरदे तक ए सेक नहीं पहुंचदा। शीतल थीवा नानका जपंदड़ो, हर नाम दियां खेड़ा अंदर वरत रहियां ने। कल ताती ठंडा हर नाव दी कला अंदर वरत रही है, ए सेक उत्थे नहीं पहुंचदा। देग दे उबलदे पानी विच उबलदिया समा बीत गया। अगले दिन फिर मलेच आया ते रेत तपा लिया, रेत बलदा तपदा रेत साहब दे तन ते पाउंदा, शरीर दा कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचिया जिहदे ते छाला ना होया होवे, फलुए ना होए होण। इहनू कहिंदे अजर नू जरण दी खेड। अजर नू किवें जरीदा ते किवें रब्बी रजा विच रहीदा, इह पंजवें पातशाह सिखाउंदे है।
सारा तन रेत दे नाल होर छालिया नाल भर गया, पड़पुंजा रेत पाउंदा, मन ही मन सोचदा किते मेरा बस चले, यही कड़छा मैं चंदू दे सिर च मारा तेनू मार दिया। पर बस नहीं सी चलदा, चंदू दा कहना मन के उन्हू पाना पै रहा सी रेता। डॉक्टर इकबाल कहिंदा, वो कहिंदा सिखां दा पंजवां गुरु खबरे किस मिट्टी दा बनिया, तन तो चम लह गया सी, हड्डियां नू मानो अग लगी के लगी, इउं लाल सुरख हो गई सन, पर खबरे किस मिट्टी का बनिया पंजवां गुरु, के तन जलन दे करार विच है, हड सड़न दी कगार विच ने, पर उना दे चेहरे ते ओही क्रांति है, ओही जलाल है, ओही नूर है, उना दे चेहरे तो रंचक भर भी क्रांति ते जलाल नहीं कटिया। अगला दिन आया, महाराज जी कहंदे चंदू चार दिन हो गए ने तेरी कैद विच, अज साडा दिल करदा असी इशनान करिए। चंदू सोचदा कि लगदा हुण मेरी गल मन्नणगे, कहंदा जे तुसी पहला मन लैंदे ते इन्ने तसीहे ते ना चलदे। पातशाह ने चादरे दा बुक्कल मारिया, क्योंकि सारा शरीर छालियां नाल भरिया होया, चरणा दे विच्चों चरबी ढल चुकी सी, चरण जमीन ते नहीं लगदे, भाई जेठे ते बाबा बिधि चंद साहब दे मोढे दा आसरा लैके पातशाह सहजे सहजे जमीन ते चरण धरदे हन। चंदू दे घरों हवेली च एक छोटी गली निकलदी आ, उधरों निकल के पातशाह रावी दरिया दे कंढे आए। अज पंजवां दिन सी, जल नहीं सी छकिया, रावी दे जल च जाके पातशाह ने चूड़ा कीता है, थोड़ा जा जल छकिया, इशनान कीता, किनारे ते आके बह गए ने। पंजां सिखां नू हुक्म कीता कि तुसी हुण अमृतसर साहब जाओ, श्री गुरु हरगोबिंद साहब नू जाके कहो नई रीत इक जंग की कीजा, बाकी सारी मर्यादा उही रखनी है जिहड़ी साडे वेले ताईं चलदी आई है। एक नवी मर्यादा हुण गुरु नानक दे घर विच जंग युद्ध दी टोरनी है, हुण शस्त्रधारी होना, जंग युद्ध करने ने, क्योंकि धर्म दी राखी वास्ते, स्वै धर्म दी राखी वास्ते हुण शस्त्र चुकने पैणगे। यह गुरु अर्जन देव साहब दा हुक्म सी छेवें पातशाह नूं, तदे तखत ते बहिंदियां मीरी ते पीरी दियां दो तलवारां गुरु हरगोबिंद साहब ने गात्रे धारण कीतियां सन। पंजवें पातशाह ने अज दे दिन जपजी साहब दा पाठ कीता, रावी दरिया दे कंढे ते गुरदेव ने जपजी साहब दा पाठ संपूर्ण कीता ते अपना शरीर त्याग के ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी, आराम दी पदवी नू प्राप्त हो गए। महाराज जी दे पावन शरीर दा सारी अंतम मर्यादा पंजा सिखां ते लाहौर शहर दे सिखां ने कीती, रबाबी सिख पहुंच गए, उन्होंने बड़हंस राग विच कीर्तन कीता। चंदू नू पता लगा, उन्हें पंज सिखां बारे नहीं पुछया, पंजे दे पंजे सिख बाबा बिधि चंद साहब भाई जेठा जी होनी, लाहौर तो वापस श्री अमृतसर साहब पुजे, धन गुरु हरगोबिंद साहब दे दरबार विच गए ते महाराज जी पुछदे है, बिधि चंद जी गुरदेव नहीं आए नाल, पिता जी किथे हन? पंजे सिखां दे नेत्र सजल ने, बोल नहीं हुंदा, किवें दसीए? भाई जेठा जी बोलदे नहीं, गुरु पातशाह नूं किथे छड्ड आयो? किड्डी वड्डी निरादरी है कि तुसी आप पहला चल के आयो ते सतगुरां नूं पिछे छड्ड आयो। भाई बिधि चंद साहब दी कोलों धार निकल गई, नेत्रां चों जल दी फुहार वगी, आख्या छेवें पातशाह की दसीए, किवें आ गए उन्हां नूं छड्ड के? साडे हिरदे खबरे पत्थर दे सन कि उन्हां नूं तत्तियां तवियां ते बहिंदियां वेख के भी असीं जिउंदे परत के आ गए, मर नहीं गए। जदों ये बचन महाराज जी ने सुने, गुरदेव ने प्रण किया, 11 वरिया की उम्र है महाराज छेवें पातशाह की, आख्या कहिंदे ने गां मारन दा बड़ा वड्डा पाप हुंदा,
सुनिया कि किसी ब्राह्मण नू मारीए जिहड़ा ब्रह्म नू जानन वाला है उहदा बड़ा वड्डा पाप हुंदा है, चोरी करनी बड़ा वड्डा पाप हुंदा है, ठगी करनी बड़ा वड्डा पाप हुंदा है। महाराज जी ने 101 पाप गिणे ते कहंदे इह सारे पाप सानू लगण जे असी अपने पिता दी शहीदी दा बदला पापी चंदू कोलों ना लईए। सेली ते टोपी लैके आए, पातशाह ने नमस्कार कीती, आख्या है खजाने च रख दियो। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी नूं कहा जी तुसी लियाओ। दो श्री साहबां बाबा बुढ़ा साहब जी ने महाराज जी नूं भेट कीतिया। मीरी ते पीरी दियां दो तलवारां महाराज जी ने गात्रे सजाईया ते हुक्म कीता सिखो अज तो बाद शस्त्रधारी हो जाओ। गुरु अर्जन देव साहब जी की शहादत एक ऐसी क्रांति लैके आई कि महाराज सच्चे पातशाह की शहादत तो बाद छेवें गुरुदेव ने चार जंगा लड़िया ते चारां विच जित प्राप्त कीती। आने वाले दिनां च 12 जून नूं जिहड़ी पहली जंग महाराज छेवें पातशाह ने लड़ी है ना लोहगढ़ साहब की धरती ते अमृतसर साहब, वह दिन है। उस दिन उत्थों दे कुछ गुरसिखा ने दास नूं हाजरी वास्ते बुलाया है अमृतसर साहब लोहगढ़ विखे। वो हर साल वो दिन मनाउंदे आ जिस दिन महाराज जी ने जंग फतेह कीती सी। गरीब नवाज छेवें पातशाह जी महाराज जी मीरी पीरी दे मालक सतगुरां ने सिखां नूं शस्त्रधारी होण दा हुक्म कीता। समा आया पापी चंदू नूं सोधा लाया गया। ओही पड़पुंजा जिहड़ा मेरे साहब दे तन ते रेत पिया पाउंदा सी, जदों टका टका मंगाउंदिया उहदी दुकान ते आए ते उहने आख्या परे लै जाओ मलेश नूं मेरे मत्थे ना लाओ। ओही कड़छा जिहड़े कड़छे नाल रेत सतगुरां दे तन ते पाउंदा सी, ओही कड़छा चंदू दे सिर च जोर नाल मारिया ते चंदू पापी दा अंत हो गया। गरीबन बाज सतगुरु गुरु अर्जन देव साहब ने जिवें बचन कहे सी ना, चंदू कुत्तियां दी मौत भी कुत्तियां वाली हुंदी, ऐसी भयानक मौते मरिया पापी चंदू। धन गुरु अर्जन देव साहब दी शहादत नूं कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे सतगुरु शहीदां दे सरताज हन, गुरु नानक दे पंथ च अनेकां शहीद ने, उन्हां सारे शहीदां दे सिरमौर पहले शहीद जगत गुरु धन गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह हन। महाराज जी की शहादत नूं कोटि कोटि प्रणाम ते नमस्कार है। जप्यो जन अर्जन देव गुरु, जप्यो जन अर्जन देव गुरु, जप्यो जन अर्जन देव गुरु, जपयो जिन अर्जन देव गुरु, जपयो जन अर्जन देव गुरु, जपयो जन अर्जन देव गुरु, जपयो जिन अर्जन देव गुरु, जपयो जिन अर्जन देव गुरु। फिर संकट जोन गर्भ नायो, फिर संकट जोन गर्भ नायो, फिर संकट जोन गर्भ नायो, फिर संकट जोन गर्भ नायो। धन गुरु अर्जन देव साहब जी ने अमृत वेले सानू पावन श्री मुख वाक दी दात बख्शी है। आओ कुछ समय लई मन बिरतियां एकाग्र करके सतगुरां दे शब्द दी विचार नाल जुड़िए। हाजरियां लवाओ, रसना करो, पवित्र आखो जी सतनाम। श्री वाहे गुरु साहिब जी सतनाम, श्री वाहे गुरु साहिब जी सतनाम, श्री वाहे गुरु साहेब जी। बिलावल महला
पंजवा माता पिता सुत बंदप पाए। बिलावल राग है। पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव साहब जी का उच्चारण किया गया पावन पवित्र श्री मुखवाक शब्द है। माता पिता सुत कहिंदे ने पुत्तर नूं, बंधप कहिंदे आ रिश्तेदार संबंधियां नूं, ते भाई भरा ए जिन्ने संबंध उपर इस पंक्ति च दसे हन, नानक हुआ पार ब्रह्म सहाई। धन गुरु अर्जन देव साहब कहिंदे पार ब्रह्म परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु मेरा इन्हां सारे संबंधियां वांगू सहाई होया, जिथे मैनू मां दी लोड़ पई उथे मां बन के बौड़िया, जिथे पिता दी लोड़ पई उथे अकाल पुरख पिता बन के सहायता करन आया, जिथे पुत दी लोड़ पई आ उथे पुत बन के भी आया है, ते जिथे संबंधी ते रिश्तेदार दी लोड़ पई आ उथे संबंधी बन के आया है, ते जिथे भरा दी लोड़ पई उथे भरा बन के बौड़िया। मेरे ए सारे संबंध उस पार ब्रह्म परमेश्वर अकाल पुरख नाल हन, ओ पार ब्रह्म अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर मेरा सदैवी काल दा सहाई है। एक बार माता मनसा देवी जी बड़ा उच्चा पे बोलदे है, इन्ने नूं गुरु अमरदास साहब जी घर आए ते पुछदे आ, मनसा देवी जी अज की गल है, थोड़े जे रोस च बोल रहे हो। कहण लगे भानी पता नहीं किहड़े कम्मां च रुझ जांदी है, आ तुहाडा सुखां लद्दा दोतरा गुरु अर्जन देव, यह हाले कल दी गल है, प्रशादे पका के हटी सी, लोह उत्ते ही रह गई, ए तुहाडा सुखां लद्दा दोतरा रिड़दा 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 उस लोह तक चला गया, जे मैं ना वेखदी तेने अपने कूले जे हाथ उस लोह ते रख देने सन, हाथ सड़ जाने सन, मैं गई ते जाके कोल होके नू बचा लिया रख लिया। अज किते पानी दी लोड़ होवेगी गर्म दी, भानी आप किसे काम च इहो जी व्यस्त होई, इहनू फिर इत्थे छड गई कल्ले नू, अज इह फिर रिड़दा 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 उस उबलदी होई पानी दी देग दे कोल चला गया, इहने अपणियां बाहां उहदे च पा देणियां सन, अरकां तक इहदियां बाहां सड़ जाणियां सन, अज मेरी फिर निगाह पई ते मैं फिर रख लिया इहनू फिर बचा लिया। रब सुख रखे, खबरे दी अग नाल की मुहब्बत है, ए मुड़ मुड़ के अग वल जांदा, मुड़ मुड़ के अग वल मुड़दा। ते गुरु अमरदास साहब जी कहण लगे, मनसा देई अज तू कहनी आ मैं रख लिया, मैं जदों इनू सवा पैर तक देग दे पानी च उबालिया जाएगा, बलदी खौलदी लोह ते पैर भर तक बिठाया जाएगा, जदों इहदे तन ते बलदा सपदा रेत पाया जाएगा, कि तू उदों भी इनू तू रखेंगी तू बचावेंगी। जिहड़ा उस वेले दा इहदा रख है उसे दे हुण रखिया ते उदों भी उही इनू रखेगा। गुरु अर्जन देव साहब पंजवें पातशाह कहिंदे ओ पार ब्रह्म मेरा हर जगह ते सहाई है, हर संबंधी बन के मेरी सहायता करन वाला है। सुख सहज आनंद कणे, कहिंदे सहज दा सुख है ते कणा आनंद हिरदे च वरत रहा। गुर पूरा पूरी जाके बाणी, अनेक गुणा जाके जाहे ना गाने। मेरा गुरु पूरा है और मेरे पूरे गुरु दी बाणी भी पूरी है, मेरे मालक दे गुण गिने नहीं जांदे, ओ कितने कु गुणा दा मालक है स्वामी है,
ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਥਾਹ ਸਾਗਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਾਉ ਸਗਲ ਸਰੰਜਾਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰੰਜਾਮ ਉਪਾਓ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਪਾਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਰੰਜਾਮ ਉਪਾਓ ਆਪ ਕੀਤੇ ਹਨ ਭਾਏ ਮਨੋਰਥ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜਾਪੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਰਥ ਧਰਮ ਕਾਮ ਮੋਖ ਕਾ ਦਾਤਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ ਚਾਰਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਚੌ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਭਾਈ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਵਿਧਾਤਾ ਉਸ ਵਿਧਾਤੇ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਘਰ ਆਇਆ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਆਣਿਆ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਮੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ ਕਰਨੀ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਦਇਆ ਕਰਨ ਸਾਡਾ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥਾਏ ਪਾਉਣ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ